नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब एक फिल्म में अक्षय कुमार आता है, आमिर खान आता है, शाहरुख खान आता है या सलमान आता है, तो उसके साथ जितने लोग स्टार कास्ट में होते हैं, आखिर वो लोग वहाँ कैसे पहुँचते हैं, कौन उनको अरेंज करता है और कौन एक इतनी बड़ी फिल्म को कोऑर्डिनेट करता है। आज इसी आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है श्री यशपाल कपूर जी को, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं एकता कपूर फिल्म्स के, और कास्टिंग एजेंसी भी है इनकी, और ये सीरियल्स, एड्स, फैशन शोज बहुत कुछ अरेंज करते हैं। यश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यश जी, आप बताइए कि आप क्या स्टार्ट में ही इसी लाइन में थे या किसी और लाइन से इस लाइन में पहुंचे, और कैसे पहुंचे, दर्शक जानना चाहेंगे। नमस्कार सारन, मैं जब अनमैरिड थी, मैं बड़ा शौक सी कि मैं स्टार बना। तो उस टाइम एक ही प्लेटफार्म का सी कि मुंबई जाओ, वहाँ काम मिलेगा। लेकिन आज यहाँ हिंदुस्तान में हर स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री है, हर जगह फिल्में बनती है, सीरियल बनते हैं, शूटिंग्स होती हैं सब जगह। तो मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद मैरिज के बाद मेरे दो बेटियां थी, एकता कपूर एंड रितिका कपूर। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई, एक मेरी बेटी 5 साल की थी, एक 6 साल की थी, तो मैंने देखा, कुछ एक्टिविटी देखी उनकी, जब घर में कोई टीवी या कोई प्रोग्राम आते थे, उनको देखा कि गाने पर जैसे डांस करते या कुछ एक्टिविटी देखी, मैंने देखा कि इसमें कुछ टैलेंट है। तो स्टार्टिंग मैंने उनको एक जागरण में भेंट कराई थी, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दोनों बेटियों ने भेंट गाई। तो वहाँ फिर जो बड़े सिंगर चाहे थे, उन्होंने कहा सब आपकी बेटियों बहुत टैलेंट है, तो अब इनको स्टेज से नीचे मत आने दो, इनको आगे बढ़ाओ। तो ये बेटियाँ ही मेरे, मैंने दोनों बेटियों को बेटे की तरह ही पाला, और जो भी इनकी ख्वाहिशें सारी मैंने पूरी की। मैं साथ में जॉब करता था, बहुत संघर्ष किया मैंने, और इनको धीरे धीरे फिल्म लाइन में आगे लाया, उन्होंने काम किया। उसके साथ चलते चलते मेरे बॉलीवुड में रिलेशन हुए, तो पंजाब में काफ़ी सर्कल मेरा बढ़ गया आर्टिस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले आपने पत्रकारिता भी की कुछ देर, तो वो भी दर्शक जानना चाहेंगे। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, मैं पॉलिटिशियन में भी रहा, यहाँ स्टेट लेवल पे भी रहा, मैं स्टूडेंट यूनियन का भी, मैं जिले का अध्यक्ष भी रहा, पंजाब का सच भी रहा, उसके साथ मैं लुधियाना दैनिक जागरण में 6 साल रिपोर्टर भी रहा मैं। अब उसके साथ साथ मैंने फिर अपना इस लाइन में आ गया बेटियों के साथ, तो बेटियों के साथ काम करते करते बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनसे मिले, साथ में लिंक बढ़ गए डायरेक्टर और प्रोडक्शनों के साथ, उनको भी आगे फिर मैं आर्टिस्ट जो है प्रोवाइड करने लगा, तो सेवा करने लगा। ऐसे लोगों ने मुझे कोऑर्डिनेटर के नाम से जानना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी फिल्मों की कास्टिंग की। एज ए कास्टिंग फिल्मों में आप कास्टिंग डायरेक्टर रहे हो, दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा उसमें सीधा नहीं होता, हमारे प्रोडक्शन के थ्रू होती थी कास्टिंग। जैसे अभी पीछे मुकेश छावड़ा जी के मेरे पास 4-5 प्रोजेक्ट आए थे, उनकी टीम आई थी पंजाब में। सबसे पहले मैंने इधर दंगल का कास्टिंग किया था पंजाब में, उसके फर्स्ट मैंने ऑडिशन करवाए थे पंजाब में, चंडीगढ़ में जी। तो उसमें मेरे तकरीबन 20 के करीब करेक्टर गए थे। और उसके बाद था मेरा जाट की जुगनी सीरियल सोनी चैनल में, उसमें फर्स्ट एपिसोड में मेरी बेटी एकता कपूर ने भी किया है काम, और उसमें भी मैंने 3 एपिसोड में मैंने पंजाब के और लुधियाने के कई आर्टिस्ट को मैंने उसमें चांस दिया है। और उसके बाद केश छावड़ा का था, और एक प्रोजेक्ट आया था मेरे पास गामा पहलवान सीरियल, और उसमें जो है सलमान खान एज ए प्रोड्यूसर हैं, और उसके कहते हैं कि 20 एपिसोड जो है पंजाब में शूट होने हैं। उसके मैंने जो ऑडिशन है चंडीगढ़ और पटियाला में करवा दिए, कंप्लीट हो गए हैं, और काफ़ी पंजाब के लोगों उसमें आने का अपना मौका मिलेगा। और 20 के करीब एपिसोड जो है पंजाब में शूट होने हैं, उसका तो पायलट शूट भी हो चुका है जी। कपूर साहब, ये बात तो फिर क्लियर है कि अगर किसी के मन में ख्वाहिश है कि वो एक्टर बनना चाहता है या एक्टर बनना चाहती है, तो बॉम्बे बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लुधियाना में ही आप यशपाल कपूर जी को कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी ये मिले, क्योंकि ये आमतौर पे इनके
कार्ड से पता चला है कि बॉम्बे भी इनका ऑफिस है, लुधियाना में भी है, तो बहुत बढ़िया है। और आप बहुत से फिल्म स्टार्स को मिले हो, और आपको किस स्टार की क्या बात सबसे अच्छी लगी? जब वहां पर जब जाते हैं ना हम, तो वहां पर लगता ही नहीं है कि जो स्टार है, जी ऐसे लगता है कि जैसे अजय फ्रेंड है, फैमिली है, एक टीम की तरह हम काम करते हैं। जब हम पहले देखते थे कि फिल्म देखते हैं, जब सीरियल देखते थे, यार इतना बड़ा स्टार है यार, काश हमारी इसके साथ पिक्स हो जाए यार, उनके साथ हैंडशेक कर लें, पर जाते हैं तो पता नहीं लगता है, ऐसे लगता है जैसे फ्रेंड है, महसूस नहीं होता कि स्टार है। इतने जन के वो घुल मिल जाते हैं आपस में, वो लगते नहीं कि स्टार है, जी। हमारा और टीम आम वर्क कैसा जनता होता है। का ये मानना होता है, जैसे इन दिनों सलमान खान लुधियाना में आए थे, तो लोगों को लगता है कि शायद सलमान खान को मिलना बहुत मुश्किल है, शायद उनमें नखरा है या लोगों से मिलते नहीं, तो कोई ऐसी बात कभी मिली देखने को? ना 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 ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ जो होता है, पहली बात उन्होंने जब शूट होता है तो उनका जो टाइम पीरियड लिमिटेड होता है कि हमने इतने डे में कि अपना जो है शूट कंप्लीट करना है। तो जब फ्री, ऐसा नहीं है किसी भी एक्टर में, जब भी शूटिंग होती है देखिए टाइम पीरियड होता है कि हमने जो शूट है इतने टाइम पीरियड में हमने कंप्लीट करना है। पूरी यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, हर चीज़ का वहाँ खर्चा पड़ता है हर चीज़ का। तो ठीक है, लोगों को भी जब वो फ्री टाइम रहते हैं मिलते हैं, जैसे अभी मैंने दंगल का किया था तो उसमें भी जो मीर खान थे, काफ़ी लोग जो हैं पर्सनली मिलने आते थे उनके होटल में, जब शूटिंग जब उनका ख़त्म हो जाता लोग सेल्फियाँ लेते थे, सबसे प्यार से मिलते थे, तो लोग इतने हैरान हो जाते थे यार इतने बड़े स्टार के साथ उसमें हमारी फ़ोटो हो गई, इतने खुश होते। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि हम बॉलीवुड में जाएंगे या उनको देखेंगे। जब यहाँ के पंजाब के लोग जाते हैं मुंबई में, जाते हैं बहुत जाते हैं हमको, मैं मुंबई में रहा हूँ काफ़ी टाइम, रहा मुंबई में, तो पंजाब के लोग जाते हैं सुनने में आता, जाते हैं स्टार्टिंग में जाएंगे शाहरुख खान का बंगला देखा, वहाँ पिक्स ले लिया, फलाने स्टार का बंगला देखा तो पिक्स ले लिया। जब उनको यहाँ लुधियाना में हमने मीर खान, सलमान खान जब और आर्टिस्ट साहब मिलाते, उस के हैरान रहते सर उसका, हमने तो सोचा भी नहीं था कभी यहाँ पंजाब में और लुधियाना में उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, तो बहुत खुश होते हैं। और वो भी जो है पंजाब में आकर जितने भी आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, सलमान खान हैं, आमिर जी हैं, यहाँ पंजाबी कल्चर देख के लोगों से मिलकर बहुत खुश होते हैं कि यहाँ के लोग इतना मिलवर्तन, आपस में प्यार है, बहुत भाईचारा इनका है। कपूर साहब, आपकी आने वाले समय की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं? ठीक है, मेरी जो है एक कास्टिंग एजेंसी है एकता कपूर फिल्म्स एंड कास्टिंग एजेंसी, तो जो मैंने अपनी बेटी एकता कपूर के नाम से बनाई है। और हमारा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो है एकता कपूर जो बालाजी टेली फिल्म है उनसे हमारा कोई फैमिली या पर्सनल रिलेशन नहीं है, क्योंकि मुझे रोज़ डेली कई कॉल आती हैं कि आप बालाजी से बोल रहे हो, तो हर किसी को मुझे बताना पड़ता है। मैंने नेट पे भी डाला हुआ है, आपने जितने स्टेटस डाले हैं पूछा कि हमारा उनसे कोई फैमिली रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो भी कपूर है, हम भी कपूर है, हमारी अपनी कास्टिंग एजेंसी है एकता कपूर फिल्म एंड कास्टिंग एजेंसी। इसके मैं फिल्म, सीरियल, एड्स, एल्बम्स के लिए आर्टिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, हर एज के करता हूँ मैं। और इसके साथ मैंने अभी शुरू किया है मॉडलिंग शो का, और अभी इससे पहले मैंने करवाया था देहरादून में, मेरा था टाइटल था अपने क्वीन एंड किंग ऑफ देहरादून, और ये हमारा है एकता इवेंट्स इंडिया, इसमें मेरी जो बेटी एकता कपूर है डायरेक्टर है, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, और देहरादून में हमने शो करा है। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्लान है पंजाब में करने का, क्वीन एंड किंग ऑफ पंजाब, अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि अच्छे स्पॉन्सर या प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हम जल्द ही यहाँ कराएंगे। जितने भी जो लोग हैं पंजाब के, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें हमें, जो हमारी एक ईमेल आईडी है एकता इवेंट्स इंडिया @gmail.com, तो इसमें अपना प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। और जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, किसी भी करेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई भी एज है, मेल है, फीमेल है, वो हमारे एकता कपूर फिल्म्स @gmail.com पर अपनी प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास प्रोफाइलें आती हैं, तो कई लोग कहते हैं कि सर हमने तो 6 महीने हो गया था, 1 साल हो गया सर, हमको वर्क नहीं मिला। बाकी ये कि जो भी फिल्म सीरियल के हम ऑडिशन लेते हैं, मैं 12 साल से कास्टिंग कर रहा हूँ, जो भी हमारा बॉलीवुड का फिल्म सीरियल एड का ऑडिशंस होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उसके हमने कोई चार्ज नहीं लेते। वेरी गुड। और जितने भी मेरे पंजाब के सीनियर कलाकार हैं, मैंने कई लोगों को बॉलीवुड में, फिल्म में, सीरियल में काम कराया, और मैं पंजाब के किसी भी आर्टिस्ट से मैं कमीशन नहीं मांगता। क्या बात है। और जब मुंबई में रहता हूँ तो वहाँ से भी लोग कुछ आते हैं पंजाब में, वहाँ रहने की किसी को प्रॉब्लम होती है, मनी की प्रॉब्लम होती है, मैंने कई लोगों की हेल्प भी की, अपनी जेब से की है, तो वहाँ जब लोग मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कपूर साहब हमें मिल गए हैं,
बहुत मान जो देते हैं वहाँ पंजाब के लोग, और मेरी भी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि इनमें मैं इन जो आर्टिस्ट हैं जिनमें टैलेंट है उनको मैं आगे प्रमोट करूँ। एक वाकई बहुत बड़ी सेवा का आप कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग वाकई फिल्मों में जाना चाहते हैं और अपनी कला का जौहर दिखाना चाहते हैं। तो कपूर साहब, बहुत अच्छा लगा आज से आपसे मिलकर, और आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सबका। तो दर्शकों, आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये विशेष मुलाकात। अच्छी लगी तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट भी डालिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और साथ ही साथ बता दें कि बहुत जल्द कपूर साहब के जितने भी और इवेंट्स होने जाएंगे और जितने भी इनकी ऑडिशंस होगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें आप फेसबुक के ऊपर पेज को लाइक कर सकते हैं, और इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। हो सकता है कि आपका आने वाला कल आपको शाहरुख की किसी पिक्चर में रोल दिलवा दे एकता कपूर फिल्म्स के थ्रू। तो फिर मिलते हैं और नई मुलाकात के साथ। नमस्कार।